नमस्कार आदाब, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। अररिया जिले में इन दिनों चोरों के आतंक से आम जन परेशान है। अररिया जिले के बैरगाछी थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरगाछी चौक पर स्थित 3 दुकानों में चोरों ने हाथ साफ कर दिया और हजारों की संपत्ति उड़ा ले गए। चोरों ने रॉयल खाद बीज भंडार, वसामा क्लॉथ स्टोर एवं जमाल मेडिकल में दुकान के पीछे से दीवार काटकर चोरी की और फरार हो गया। पीड़ित दुकानदार मोहम्मद फैजान ने बताया कि चोरी की घटना इस इलाके में कोई नई बात नहीं है, इससे पूर्व भी आधा दर्जन से अधिक जगहों पर चोरी हो चुकी है और प्रशासन सुस्त पड़ा हुआ है। इस तरह से अगर चोरी होती रही तो हम लोग सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। पीड़ित दुकानदार मोहम्मद फैजान मोहम्मद इम्तियाज बेहद आक्रोशित दिखे। मौके पर मौजूद जिला परिषद प्रतिनिधि मुजाहिद हुसैन ने प्रशासन से अपील किया है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस पर संज्ञान ले। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। क्या मामला हुआ यहाँ पे बताइए। आज रात में हम दुकान बंद करके लगभग 8:30 बजे यहाँ से निकले, ठीक ना, और उसके बाद जब सुबह आए तो देखे मेरा दुकान का पीछे का दीवार तोड़ के, मेरा दुकान रॉयल खाद बीज भंडार, ठीक ना, जिसका पॉस मशीन और कुछ कीटनाशक दवाई और बहुत सारा कुछ कैश सारा सामान उठा के लेके गया। कितना कैश लेके गया? कैश लगभग ले गया 10,000 रुपया। अच्छा जी। और पॉस मशीन ले गया, मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले गया, मेरा प्रिंटर लेके चला गया, ठीक ना, बिलिंग प्रिंटर था, बिलिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था, वो सब। आपने थाने में इन्फॉर्म किया? हाँ, थाने में इन्फॉर्म किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये इन्फॉर्म दिया था? इन्फॉर्म दिया है लगभग 10 बजे। अच्छा, ये कब, ये रोज रोज की कहानी है? हर 2-4 दिन पर बैरगाछी चौक की कहानी है ये। किसी न किसी के दुकान में, पान दुकान हो या फिर किराना दुकान हो, जनरल स्टोर हो, हमेशा होता ही रहता है घटना और प्रशासन इसका कोई संदेह नहीं लेता है। उसको आवेदन दे दिया जाता है, कह दिया जाता है, बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करती है। आज 3 दुकान फैजान खान रॉयल खाद बीज भंडार। आपके दुकान में भी चोरी हुई है क्या? नहीं, मेरी दुकान में तो चोरी नहीं हुई है, लेकिन इसी बाजार से हूँ। आए दिन चौक पे चोरी की घटना घटती रहती है, अपने नजर से महसूस कर रहा हूँ कि लोग काफी परेशान है। बीते 1 महीने के अंदर मेरे ख्याल से ये 6ठी या 7वीं बार चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। हम निरंतर थाना गए हैं, समाज सेवी हूँ एक तरह से, थाना में जाके एप्लीकेशन दिया, थाना में एप्लीकेशन रिसीव कर लिया जाता है, लेकिन चोरों पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाता। तो इस तरह से बैरगाछी चौक के लोग परेशान हैं और प्रशासन के द्वारा बैरगाछी चौकों के लोगों का कोई हेल्प नहीं किया जा रहा। आज भी हम लोग थाना गए, थाना में एक आश्वासन दिया गया है कि 3 बजे हम आएंगे, जो थाना प्रभारी की तरफ से कहा गया है कि हम लोग मिल बैठ करके बात करेंगे और हम लोग इंतजार में है कि 3 बजे हमारी बातचीत करके बातचीत हो, बातचीत करने के बाद कोई समाधान निकले। अगर समाधान नहीं निकलता है तो बैरगाछी चौक की तमाम आबादी, तमाम जनता सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। इसीलिए आपके माध्यम से प्रशासन से मेरी अपील है कि चोर को पकड़ करके सामान को बरामद किया जाए। अगर सामान हमारी बरामदगी नहीं हो पाती है तो फिर हमारा जन आक्रोश, जनता धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरेगा और एक विशाल आंदोलन की शुरुआत होगी। क्या नाम है आपका? नाज खान, समाज सेवी बैरगाछी चौक। इससे पहले भी कई वारदात, कई मरतबा हमारे दुकान में चोरी हो गया है। प्रशासन को खबर मिलती है, उसके बारे में कुछ नहीं, वो सिर्फ आश्वासन दे के छोड़ देते हैं और ना कुछ कार्रवाई करते हैं। बहुत सारा नुकसान हो गया। इससे पहले भी कपड़े दुकान से बहुत सारा सामान लेके चले गया, हमारा 50-60 हज़ार का नुकसान हुआ था। इस मरतबा भी वही 70-80 हज़ार का लगभग कपड़ा वपड़ा ले गया, जो नकदी वगैरह था उसको तोड़ फोड़ करके पूरा इस तरह से देखिए दीवार के पीछे तोड़ करके उसके बाद अंदर घुसा, उधर हमारा वो पूरा प्लाई बोर्ड है उसको वो लोग तोड़ा है, उसके बाद रात CCTV कैमरा है उसको वो लोग कट किया है, लाइट वगैरह कटिंग करके उसके बाद वो चोरी को अंजाम दिया। 3:15 बजे रात की बात है। कैश कितना ले गया होगा? कैश 10-15 हज़ार रुपये कैश था और बाकी कपड़ा 50-60 हज़ार रुपये कपड़ा, ये सब चुन चुन करके जो बढ़िया कपड़ा था क्वालिटी वाला सब लेके गया। ये घटना आए दिन होता रहता है? बहुत सारा सर, हम रमज़ान के बाद से लगभग 9 महीने में 3 से 4 बार हो चुका है सर। ये थाना को अगर खबर देते हैं तो कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं, वो तो गार्ड है सर, वो तो एक चौकी से ही बदतर है, वो थाना नहीं है। अभी भी जाइए आप, कोई पुलिस वाला नहीं मिलेगा आपको, 1-2-4 गार्ड इधर उधर मिलेगा, कोई सुनवाई ही नहीं करता यहाँ पे। बस ऐसे ही वो टाइम पर वसूली चाहिए इनको टाइम पे, और बस वगैरह से ये ट्रैक वगैरह से वसूली करता है। हम लोगों का कोई फिक्र नहीं, चौक पे आए दिन चोरी होते जा रहा है। और दीवार तो हाँ सर, हमारी भाई साहब की दुकान है, बड़े भाई की एक मेडिकल की दुकान है, हमारे कपड़े की दुकान बगल में, आए दिन चोरी हो रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, प्रशासन सुन ही नहीं रही हम लोगों की। क्या करेंगे सर, दुकान में सो के रहेंगे हम लोग, भर रात दुकान में रहेंगे, क्या करेगी प्रशासन? आखिर कब हम लोग प्रशासन काम आएगी? आखिर इस तरह हम लोग कब तक परेशान होंगे? हम लोग कुछ सुनवाई नहीं कर रही, बहुत नुकसान हो रहा है हम लोगों का। अब यहाँ गार्ड है जो उसको जिम्मेदारी लेना चाहिए। आखिर हम लोगों का जो सामान
खोया या चोरी हुआ, चोरी लेके गया है, उसकी बरामदगी 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, नहीं तो हम लोग सड़क जाम करेंगे, पूरा जो है कि हम लोग आंदोलन चालू हो जाएगा चौक से। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इम्तियाज। कपड़े का दुकान है सर हमारा, हमारा ही दुकान है। चलिए ना, वहाँ दुकान में भी हमारा तोड़फोड़ किया है, पूरा प्लाईबोर्ड तोड़ के अंदर घुसा है, वो दिखाते हैं आपको इधर। सर वो दवाई की दुकान हमारी बगल में है, उसको दीवार तोड़ के उसके बाद जो हमारे छत पे आया ये प्लाईबोर्ड तोड़ करके उसके बाद अंदर घुसा है, उसके बाद अंदर घुसने से पहले लाइट वगैरह कटिंग किया यहाँ पे, उसके बाद सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, वो सीसीटीवी का तार कट किया और लाइट ऑफ किया है, तो यूएसबी वगैरह जो है 10 से 15 मिनट चलता है, वो जब बंद हो गया, जब उसको आश्वासन हो गया बंद हो गया कैमरा, उसके बाद वो अंदर दाखिल हुआ है और सब सामान चोरी वगैरह करके लेके चले गया। इस प्रतिक्रिया करने में कम से कम 2 से 2.5 से 3 घंटा लगा होगा सर, इसके दरमियान प्रशासन कहाँ सो रही थी? आखिर 12 से 15 प्रशासन रात में चौकीदारी करती है चौक पे, आखिर क्या करता है वो इससे? पार्षद साहब क्या यहाँ पे चल रहा है, आप इसी क्षेत्र के हैं, यहाँ पे डेली चोरी का घटना सामने? देखिए यहाँ कोई नया मामला नहीं है, ये कंटिन्यू हो रहा है। इससे पहले अभी सर 1 साल पहले वहाँ पे जो एक कपड़ा का दुकान है उसके दुकान का ऊपर टीन उतार करके तब कपड़ा का दुकान खाली कर दिया था बेचारे का, लाखों का नुकसान हुआ। उसके बाद मुर्गा वाले का यहाँ पे उसका किया है, उससे पहले क्या नाम है कि यहाँ पे है उसका किया है, ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। और आज रात में जो हुई है 3 दुकान में हुई है, पीछे से दीवार काट कर करके, जबकि यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, उसके अलावा चौकीदार यहाँ काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये चौकीदार सब क्या करता है कि अपने वसूली के चक्कर में रहता है, दुकानदार का कुछ भी हो जाए ये लोग अपना माल पैसा छपैया करने के चक्कर में रोड पर घूमता है, एक जगह अड्डा बना कर रहा, खाली मवेशी कारोबारी वाला गाड़ी वगैरह जाता है, इन लोगों से वसूली करता है। बाकी यहाँ पर इस चौक का जो है कहीं भी कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं उसको। देखिए ये दीवार देखिए सामने, इसको पीछे से काट कर करके तब घुसा है और उसके बाद तब किया, और ऐसा तो नहीं है दीवार तोड़ने में क्या नाम है कि मिनटों लगा होगा, कम से कम आधा एक घंटा लगा होगा, और आधा एक घंटा में पुलिस क्या कर रही थी? और एक दुकान में किया, फिर दूसरा में किया, फिर तीसरा में किया, ये तो 2-3 घंटे 4 घंटे का खेला है ये। अब बगल में थाना रह कर करके हमेशा इस पर जो है लोग जो है लोग प्रशासन के बारे में बोलता है तो कि बड़े बड़े लोग आ जाते हैं उसकी हिमायत में, जैसे कि क्या नाम है एसपी डीएसपी साहब का ऐसा कोई बात नहीं होता है। क्यों आप अपने थाना का क्या नाम है कि ढंग से गाइड कीजिए तो थाना को, और आवेदन दिया है तो आवेदन को अनसुनी कर देते हैं, और ये हमेशा का ही आदत है। और यहाँ के अगर जनप्रतिनिधि लोग कोई एक्शन लेंगे किसी तरीके का शंका के आधार पर अगर पकड़ेगा तो प्रशासन कहेगा कि इसको क्लीन चिट दे देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन से और क्या नाम है आप लोगों से उम्मीद करते हैं आप लोग जो प्रशासन पर दबाव बनाइए कि प्रशासन जो है कड़ा एक्शन ले और आइंदा ऐसा नहीं हो। शक के बुनियाद पे जो लड़के सब यहाँ पे चाय के दुकान पे बैठ करके रात भर जो है खेला करते हैं और उसके बाद तब ये जो 2-3 दिन पहले पता लगाता है उसके बाद तब जाके कांड करता तोड़ता है लोग क्राइम करता है, तो इन लोगों को शक के आधार पर इन लोगों को उठा कर करके रिमांड पे ले, तब पूछताछ करे, उसके बाद वो अपना सच्चाई सामने आएगा। परिचय आपका? मेरा नाम मुजाहिद हुसैन, जिला परिषद प्रतिनिधि।